फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है इन द फिगर गिवन बिलो इक्विलेटरल ट्रायंगल ईडीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल ईडीसी, दिस इज पॉइंट ई, दिस इज डी एंड दिस इज सी, ये पॉइंट आपका ए है, दिस इज बी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सरमाउंट्स ए स्क्वायर एबीसीडी, ए बी सी डी स्क्वायर को सरमाउंट कर रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन फाइंड द एंगल डी ई बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एक्स एंगल आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ट्रायंगल डी ई सी या ई डी सी लिख लो, ई डी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो एंगल आपके पास ई डी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ई सी डी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी, सारे के सारे कितने के होंगे 60 डिग्री के, सो ये एंगल आपके पास 60 डिग्री है एंड डी ई इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ई सी है एंड डी सी इज ए साइड ऑफ स्क्वायर आल्सो, सो इसका मतलब क्या हुआ, ई सी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा, ई सी इज इक्वल टू बी सी के इक्वल, सो देखो ये एंगल 60 है एंड एंगल डी सी बी दिस इज ऑफ 90 बिकॉज इट इज ए स्क्वायर, सो टोटल ये एंगल कितने का हुआ आपके पास 150 डिग्री एंड ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, सो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, अब 2 थीटा प्लस 150 दिस इज इक्वल टू 180 ट्रायंगल के एंगल्स का सम, सो थीटा यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज 15 डिग्री, थीटा 15 डिग्री है, टोटल एंगल डी ई सी कितना आपका 60, डी ई सी एंगल कितना है 60 का है, तो एंगल डी ई बी कितने का हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 60 माइनस 15, ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस इज ऑफ 45 डिग्री, दिस इज ऑफ 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, कहता है इन द फिगर, दिस इज द फिगर, एबीसी से ट्रायंगल एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एडी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है एंड एंगल बाइसेक्ट्स एंगल ए, एसी इज इक्वल टू बीसी है, एसी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, एंगल बी इज एंगल बी दिया हुआ दिस इज 72, सो एंगल ए बी कितना होगा 72 होगा, दिस इज ऑल्सो 72, सो ये ए डी इस एंगल को बाइसेक्ट करता है तो एंगल डी ए डी this is equal to angle BAC each of 36 degree and ye B angle diya hua this is of 72 ye 36 hai to angle ADB ye kitna aa jayega angle ADB is 180 minus 72 माइनस क्या होगा 36, दिस इज आल्सो 72, दिस इज आल्सो 72, और क्या दिया हुआ है CD इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, दिस इज 1, अगर हम AC को x पोज करते हैं लेट
AC इज इक्वल टू एक्स, तो आपके पास BD कितना आ जाएगा, BD इज इक्वल टू, ये CD 1 है, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1, टोटल लेंथ AB और AC और BC की इक्वल है, ये x माना है तो BC भी x होगा, तो BD कितना आ जाएगा x माइनस 1, BD इज इक्वल टू x माइनस 1। अब देखिए हमें BD की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मींस हमें ये x माइनस 1 लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर AB को y सपोज कर ले, AB y सपोज कर ले, देखिए 72 एंगल है, ये 72 है, ये एंगल कितना होगा, दिस इज 72 है, तो ये आ जाएगा आपके पास दिस इज 108, क्योंकि टोटल 180 होगा। तो देखिए इन ट्रायंगल कौन कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी एंड ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल कौन सी ले दो, सी एबीडी ले लो, एबीडी देखो ये सिमिलर है क्या, क्या आ जाएगा आपके पास, ये एंगल 72 है, एबीडी का एंगल इसका 72 एंगल है, ये एंगल देखिए कितना होगा 36 होगा, ये एंगल 36 होगा, दिस इज 36, ये 36 है, एंगल्स देखो दिस इज 36, इसका भी ये एंगल 36 है, एंड टोटल ये एंगल 72 है, एबीसी का ये एंगल 72 है, इसका भी एबीडी का ये एंगल कितना है 72, एंड ये साइड कॉमन है, तो साइड एंगल सिमिलरिटी होगी, तो यहां से आपके पास दिस इज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी आ गया क्या, एंगल बी डी सी नो सॉरी ट्रायंगल बी डी सी ये हो जाएगा, तो AB अपॉन क्या आएगा, दिस इज BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC आएगा, AC अपॉन BC, तो AB किसके इक्वल सपोज किया आपने y, एंड BD कितना है x माइनस 1, एंड BC अपॉन DC, BC आपके पास क्या है, दिस इज BC, दिस इज इक्वल टू x अपॉन DC कितना, दिस इज 1, सो यहां से x और y में रिलेशन आ जाएगा, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x के इक्वल हो, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x के इक्वल, देखिए इतनी चीजें अपने पास है। इसके बाद हमें साइड BD फाइंड आउट करनी है, तो cos A पूरी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के पास ABC, इन ट्रायंगल ABC cos A किसके इक्वल होगा, कोसाइन फार्मूले से दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर सॉरी बी सी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी और इंटू ए सी, ये होगा। सो यहां से इनकी वैल्यूज रखते हैं,
क्या आएगा, ए बी किसके इक्वल लिया था, दिस इज वाई स्केल एंड प्लस ए सी, ए सी इज इक्वल टू एक्स स्केल एंड माइनस बी सी, बी सी अगेन एक्स स्केल है, अपॉन क्या आ जाएगा टू इंटू ए बी, दिस इज वाई, दिस इज वाई अपॉन ए सी, दिस इज एक्स, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल हो गया एंड ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू वाई अपॉन टू एक्स के इक्वल, वाई अपॉन टू एक्स, एंड ये क्या दिया हुआ है यहां पर, वाई की वैल्यू क्या है, दिस इज एक्स के माइनस एक्स अपॉन टू एक्स, एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, x माइनस वन अपॉन टू, दिस इज कॉस a, एंड a एंगल कितना है 72, ये किसके इक्वल होगा, कॉस 72 इज इक्वल टू x माइनस वन अपॉन टू, एंड कॉस 72 किसके इक्वल होता है, कॉस 72 किसके इक्वल होता है आपका, cos 72 sin 18 के इक्वल होगा, this is equal to sin 18 is equal to x minus 1 upon 2, क्योंकि cos 90 minus 18 लिख सकते हैं इसको, so यहां से क्या आ जाएगा, sin 18 की वैल्यू हमें पता है, sin 18 की वैल्यू क्या होती है, under root 5 minus 1 upon 4 is equal to x minus 1 upon 2, 2 से 2 cancel हो गया, so x माइनस वन, यही पीडी की लेंथ थी, कितना आया आपके पास, अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल, अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल, क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी इज टू बी सी, थ्री इज टू टू एस एम है, यह आपका दिस इज ए बी, थ्री एक्स है तो बी सी कितना है, टू एक्स है। अब यहां पर ट्रायंगल दिस इज डी ओ सी is similar to triangle AOB, क्यों, देखिए ये आपके vertical opposite angle हो गए, DC is parallel to AB है तो ये angle इसके equal हो गया and ये angle इसके equal हो गया, angle angle similarity आ गई, angle angle similarity है तो दोनों triangle similar है एंड सिमिलर ट्रायंगल्स में एरिया जो होता है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीओसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ अपॉन एरिया ऑफ एओबी, ट्रायंगल एओबी दिस इज इक्वल टू क्या होगा, इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो में होगा, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर डी ओ सी है, दिस इज टू एक्स अपॉन थ्री एक्स का स्केल, दिस इज इक्वल टू फोर अपॉन नाइन, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, दिस इज फोर अपॉन नाइन, एंड ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ द एरिया एओबी, एओबी ऊपर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी AOB upon area of triangle DOC, this is equal to क्या आ जाएगा, 9 upon 4. Next देखिए, next आपके पास क्वेश्चन है, ये कहता है कि ABCD कोई रेक्टेंगल है, ABCD is a rectangle
DB is diagonal of the rectangle ABCD and line L, एक लाइन L है एंड एक लाइन आपकी M है. लाइन L थ्रो पॉइंट A एंड लाइन M थ्रो पॉइंट C. डिवाइड DB इन थ्री इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ लेंथ वन. और एक की लेंथ कितनी है? दिस इज वन. एंड द परपेंडिकुलर टू DB, ये 90 का एंगल फॉर्म होता है. दिस इज आल्सो ऑफ एंगल 90. एंगल्स 90 के हैं. देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD का एरिया फाइंड आउट करना है. सो देखिए, एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर आप ट्रायंगल ADB का एरिया पता लगा ले, उसका डबल कर देंगे, तो दैट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. सो यहां पर इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BPD, इसमें देखिए एंगल ABD इज इक्वल टू क्या है आपके पास? एंगल ABB. दोनों एंगल्स 90 के हैं. AP कॉमन है. AP इज कॉमन. अब देखिए, अगर एंगल आप ADP को थीटा सपोज करते हैं, तो एंगल DAP इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा. ये एंगल थीटा है, तो दिस इज 90 माइनस थीटा. एंड ये 90 माइनस थीटा है, दिस एंगल इज थीटा. सो एंगल PAB दिस इज इक्वल टू थीटा. सो एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल PAB है. सो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी हुई, या एंगल एंगल सिमिलरिटी कर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑब्वियसली इक्वल होगा. सो यहां पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा. AP अपॉन दिस इज BP इज इक्वल टू PD अपॉन दिस इज BPD. देखना BPA है. This is BPA. क्या आ जाएगा आपके पास? PD इज इक्वल टू PA. PD PA एंड दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? AD. AD अपॉन दिस इज AB. सो फर्स्ट में देखिए, यहां इन दोनों को कंसीडर करते हैं. आपको ये पता है BP इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि इस सेगमेंट की लेंथ कितनी है? 1. सो BP इज इक्वल टू 2 एंड DP या PD इज इक्वल टू क्या? 1. सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? AP स्क्वायर इज इक्वल टू PD इनटू BP. दिस इज इक्वल टू 2. सो AP इज इक्वल टू क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2. AP की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB कितना होगा? 1/2. बेस आपका क्या है? BD. BD की लेंथ कितनी है? दिस इज 3. एंड इनटू हाइट क्या है आपके पास? AP. वैल्यूज रख दो, क्या आ जाएगा? दिस इज 1/2, 3 इनटू स्केयर रूट ऑफ टू मींस क्या आ गया? 3 अपॉन स्केयर रूट ऑफ 2. इतने सेंटीमीटर स्केयर, सेंटीमीटर में दिया हुआ. अब एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, दिस इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल, ए डी बी हो जाएगा, मीन्स ट्वाइस थ्री अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स क्या होगा, दिस इज पर टू, थ्री स्क्वायर रूट ऑफ टू सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ये कहता है इन द फिगर, आपको एक फिगर दी हुई है, दिस इज ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है एंड ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू डी बी है, डी कहां पर है, दिस इज डी, दिस इज ई एफ, दिस इज एफ, दिस इज डी एंड ये आपके पास क्या है, ये ई पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये कहता है ए डी इज इक्वल टू, ए डी इज इक्वल टू डी बी है, मीन्स ये रेशियो 1:1 है, ये रेशियो 1:1 है एंड बी ई, BE is to, BE is equal to EC upon 3, this is upon 2 not 3, means BE upon EC is equal to क्या होगा आपके पास, 1/2 है sir, 1/2 means BE को X लेते हैं, this is X, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 2x, x इज टू 1:2 रेशियो में डिवाइड है, 1:2 रेशियो। सिमिलरली नेक्स्ट केस दिया हुआ आपके पास, सी एफ इज इक्वल टू 1/3 ए एफ, मीन्स सी एफ अपॉन ए एफ कितना है, 1/3, ए एफ को अगर CF को आप X ले, Y लेते हैं तो ये क्या है, 3Y, means 1:3 ratio, 1:3 ratio and अब ये कह रहा है कि area of triangle, area of triangle ABC, ABC is equal to 120 है, then find the area of triangle DEF, area of ट्रायंगल डी ई एफ, ये आपको फाइंड आउट करना। सो देखिए वही सेम कंसेप्ट लगता है इसमें, अगर हम डी और सी को ज्वाइन कर दें, सो यहां पर बेस ए बी है, सी सी ज्वाइन किया, 1:1 रेशियो में डिवाइड करती है बी सी डी लाइन, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी किसके इक्वल होगा, दिस इज टोटल एबीसी का एरिया है, इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड कर देंगे, मीन्स 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दिस इज पर टू 60 सेंटीमीटर स्केल, कितना हो गया 60 सेंटीमीटर स्केल, ये टोटल एरिया हुआ। आप देखिए आपके पास डी और ई पॉइंट को मिलाते हैं, ये बेस को ई पॉइंट 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, सो अगर इस ट्रायंगल का एरिया देखें, ये इस टोटल ट्रायंगल बी सी डी के टोटल एरिया को 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई किसके इक्वल होगा, 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा था ये, बी डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी
सो ये क्या आ जाएगा, ये कितना आपका 60, तो 1/3 इनटू 60 क्या आ जाएगा, दिस इज 20 सेंटीमीटर स्केल, ये एरिया फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये भी आपका कितना 60 सेंटीमीटर स्केल। जब बीडीसी का एरिया 60 है तो 60 इसके रिमेनिंग पार्ट का है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफए, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये बेस है, यहां से एक वर्टेक्स से मिलाएगा बेस को, थ्री इज टू वन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो ये डीईएफ का एरिया क्या आ जाएगा, 3/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दिस इज इक्वल टू 3/4 इंटू एडीसी का एरिया कितना था, दिस इज 60, क्या था 45 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया होगा। अब हम इसका एरिया अगर और फाइंड आउट कर दें तो आपके पास क्या होगा, टोटल ट्रायंगल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट का एरिया बच जाएगा। अगर आप ए को ज्वाइन करें, ए ई लाइन ई पॉइंट है, बी सी को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी किसके इक्वल होगा, टोटल ट्रायंगल को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, दिस इज 2/3 एंड टोटल एरिया किस ट्रायंगल का था, एबीसी का, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मींस 120 2/3 इनटू 120, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, 80 सेंटीमीटर स्केल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एफईसी किसके बराबर होगा, F पॉइंट है AC लाइन को 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, FC का रेशियो 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/4 और इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC जो कि कितना था 80, दिस इज इक्वल टू 80, तो क्या आया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का एरिया क्या होगा, अगर टोटल एबीसी के एरिया में से ये सेडेड पोर्शन का एरिया अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यू शैल गेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डीईएफ, क्या आ जाएगा, टोटल ट्रायंगल का एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर था एंड डीबीई का एरिया कितना था आपके पास, दिस इज ये भी 20 आया था -20 एंड ये है एईसी, ए कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईसी, एफईसी है, एफ सॉरी एईसी निकाला था, ठीक है एईसी का, हमने यहां पर एरिया ऑफ एफसीई ये कितना 20, सो -20 एंड एक एरिया कितना आया था आपके पास, दैट इज एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये डीएफए इसका एरिया कितना था 45, -45, सो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, दिस इज 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 80 -45, दिस इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज इन द फिगर एबीसी इज सिमिलर टू ईडीसी, फिगर दिया हुआ आपके पास, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, ये आपके पास ए बी एंड दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज डी एंड ई, ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीसी, ईडीसी के सिमिलर है इफ वी हैव एबी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एबी 4 सेंटीमीटर है एंड ईडी इज इक्वल टू ईडी 3 सेंटीमीटर है एंड सीडी इज इक्वल टू 4.8 एंड देन फाइंड सीए एंड सीबी, सीए एंड सीबी, बिल्कुल इसमें तो डायरेक्ट सिमिलरिटी वाला ही कंसेप्ट लगाना है और कुछ करना ही नहीं है, क्या आ जाएगा, दिस इज ये ट्रायंगल सिमिलर है तो एबी अपॉन ईडी इज इक्वल टू क्या आएगा, बीसी अपॉन डीसी इज इक्वल टू एसी अपॉन दिस इज एसी, ये आ गए आपको कौन कौन से दे रखे हैं, दिस इज एबी आपके पास है दिस इज 4, ईडी आपके पास है दिस इज 3 एंड बीसी यू हैव टू फाइंड बीसी अपॉन डीसी कितना 4.8 इज इक्वल टू एसी, एसी आपको फाइंड आउट करना है, एसी अपॉन क्या आ जाएगा, दिस इज ईसी, ईसी कितना है, ईसी दिया हुआ है, एसी अपॉन ईसी, ये देखिए ईसी दिया हुआ 4.2, दिस इज 4.2, सो बीसी क्या हो गया, दिस इज 4.8 इंटू 4 अपॉन 3, दिस इज 1.6 इंटू 4, दिस इज 6.4 सेंटीमीटर एंड यहां से आप एसी निकाल लेंगे क्या आएगा, एसी इज इक्वल टू 4.2 इंटू 4 बाई 3, दिस इज इक्वल टू 1.4, दिस इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, यहां पर साइड्स दी हुई आपको, एडी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, 8 यूनिट्स है, बीसी 12, दिस इज 27 एंड ये 12 दिया हुआ है, दिस इज 12 एंड एंगल्स आपके पास, दिस एंगल ए डी बी वाई है, ए एंगल जेड है, दिस इज डब्ल्यू, दिस इज ए एंड ये एक्स मेजरमेंट का है, सो आपको इन एंगल्स में रिलेशन निकालना है, सो देखिए यहां से ए बी अपॉन ए डी अपॉन ए डी अपॉन डी सी, देखो रेशो क्या आएगा इसका, दिस इज 2/3 आएगा, दिस इज इक्वल टू 8/, दिस इज 12, दिस इज इक्वल टू 2/3, दिस इज 2/3 एंड ये साइड आपको 18 दी हुई है, दिस साइड इज 18, आप देखिए डीबी अपॉन डीबी अपॉन या ए से ले रहे हैं तो ये ले लो ए बी अपॉन दिस इज डी सी, ये कितना है 12 अपॉन 18, दिस इज इक्वल टू 2/3, ये भी 2/3 है एंड 2/3, ये रेशियो कौन सा है, ए बी, ए बी आपका 12 है, दिस इज 18 एंड डी सी 18 नहीं है, दिस इज 27 है, दिस इज 27 एंड ये 12, देखिए इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये
इसमें देखिए एडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू क्या है, एडी 8 अपॉन डीसी 12, दिस इज 2/3। एंड सिमिलरली एबी, ये है आपके पास डीबी अपॉन सीबी, दिस इज इक्वल टू डीबी 18 है, सीबी 27 है, दिस इज 2/3। एंड क्या आ गया आपके पास, ए बी अपॉन बी डी, दिस इज इक्वल टू 12/18, ये भी कितना है 2/3 के इक्वल है। इसका मतलब ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या आ जाएगा, डी सी बी, डी सी बी के सिमिलर है। इसका मतलब एंगल ए जो है किसके इक्वल होगा, दिस इज एंगल जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, जेड इज इक्वल टू ए एंगल के इक्वल आएगा। फर्स्ट एंगल देखिए क्या है, ए ये डी जेड है इस ट्रायंगल का, जेड इज इक्वल टू ए। एंड दूसरा क्या होगा, जेड इज इक्वल टू ए एंड दूसरा डी कॉमन है दोनों में, एंड बी एंगल, बी एंगल क्या है, दिस इज एंगल बी डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर डी सी बी है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो आपके पास x इज इक्वल टू वाई आएगा, w इज इक्वल टू वाई आएगा। देखो दूसरा एंगल, ये d है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, मींस x इज इक्वल टू क्या आएगा, दिस इज y, एंगल फॉर्म करके देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, मींस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए, सॉरी दिस इज डी सी बी, डी सी बी, इसी ऑर्डर में एंगल फॉर्म करेंगे वो एंगल्स इक्वल होंगे। सो आपके पास क्या कंडीशन आई, जेड इज इक्वल टू ए है एंड एक्स इज इक्वल टू वाई है। बोलो इसमें से